ଆଉ ଦିନକ ପରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଉରକେଲା ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ମକର ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହିସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଏକ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ତାହା ହେଲା ତିଲକୁଟ। ରାଶି ଏବଂ ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରଣରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ତିଲକୁଟ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ମକରରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ବିହାର ଗୟାରୁ ଆସୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ଏହା ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ବିହାରରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାରିଗରମାନେ ଆସି ତିଲକୁଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ରାଶି ଏବଂ ଚିନିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ପାଗ କଲା ପରେ ଏହାକୁ କୁଟା ଯାଇଥାଏ। ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଇ ରାଉରକେଲା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ରାଉରକେଲାରୁ ତିଲକୁଟ ଝାରଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। ଗୟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି। उसको फेटा के चास्ती करते हैं, चास्ती करके और उसको फेटा मारते हैं। फेटा मारने के बाद उसको लोहिया कटता है, गर्म होते हैं, तिल्ली में तिल्ली मिसाता है, तिल पूरा जो पूरा तिल्ला जाएगा तो एक नंबर स्पेशल होगा, और उससे कम तिल्ली देंगे तो और डरी होता है, दो नंबर होता है। ये कहाँ से आप ये सीखे? ये रमना गया का, रमना तिलकुट बना। कहाँ का मशहूर है? गया का मशहूर है। तो यहाँ पर पब्लिक हाँ पसंद करते हैं। आज आप 20 साल से हम लोग आ रहे हैं, हम 20 साल से हैं। चीनी तिलकुट तो अपना गया का मशहूर तिलकुट है, बोलने से हिंदू जाति का मकर पर्व में ये तिलकुट का खास करके प्रयोग किया जाता है। ये हमारा व्हाइट राशि और चीनी मिला करके इसको तैयार किया जाता है तिलकुट, और ये बनाने के बाद हमारा इसका यहाँ से लेकर राजगामपुर, राजगामपुर से झारसुगड़ा तक का सप्लाई होता है। और अपने चलिए चले जाइए आप मनोहरपुर, जगदरपुर, चाईबासा, इधर बरबिल, इस साइड तक का सप्लाई करता हूँ। क्या क्या रेट चल रहा है तिलकुट? तिलकुट का रेट है 220 रुपया है, 200 है और 230 रुपया होलसेल में। ज्यादा से ज्यादा कौन सा? ये अपना ज्यादा से ज्यादा क्या रेट में सब अच्छा क्वालिटी का? अच्छा क्वालिटी का अधिक ज्यादा से ज्यादा है 500 रुपए किलो, वो खोए का है और काजू किशमिश का है। आपका कैसा मार्केटिंग रहता है? ये जो एक सीजन में कितना बिजनेस हो जाता है? ये सीजन में अपना तिलकुट 5 से 6 टन तिलकुट बना कर मैं 1 महीने के अंदर बेचता हूँ। रेस्पॉन्स कैसा है पब्लिक का? जो पब्लिक रेस्पॉन्स तो आज तक ठीक ही है, जहाँ तक कि मकर 14 को बनाया जाता था, लेकिन अभी 2-3 साल से 15 को जा रहा है, तो मार्केट का थोड़ा प्रभाव है, जो हो सकता है कल का दिन अच्छा रहे, आज तो ठीक ही ठाक है, नॉर्मल में। क्या